हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम शिवम चतुर्वेदी है और मैं आप सबका अपने चैनल करियर प्लेटफॉर्म में स्वागत करता हूं। तो क्लास सेवन्थ का जो हमारा ये चैप्टर था वो कंप्लीट हो चुका था, सेकंड चैप्टर। अब हम उस चैप्टर के आंसर और क्वेश्चन का सेट लगाएंगे, सारे जितने भी हमारे बुक में दिए हैं ऑल हम क्लियर करेंगे। तो चलिए बिना टाइम को इन्वेस्ट किए शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन जो है, पृथ्वी के आंतरिक परतों के नाम बताना है कि पृथ्वी के आंतरिक भाग में कितने परत हैं। तो हम लोगों ने रिसेंटली पढ़ा कि पृथ्वी के अंदर तीन परतें होती हैं। पहला जो सबसे ऊपर होता है उसे हम बोलते हैं भूपरपटी, भूपरपटी। सेकंड जो होता है जिसे हम बोलते हैं मेंटल, और लास्ट जो होता है जिसे हम बोलते हैं कोर। तो ये हमारा हो गया पृथ्वी के तीन परतें, ठीक। नेक्स्ट है, भूपरपटी की सबसे अधिक मोटाई कहाँ पर होती है, भूपरपटी की सबसे ज़्यादा मोटाई कहाँ पर होती है। तो हम लोगों ने पढ़ा था, मैंने कुछ इस टाइप का फिगर बनाया था, ये भूपरपटी था, ये मेंटल था, ये कोर था। तो जो हमने इसकी लंबाई देखा था भूपरपटी का 35 किलोमीटर, इसके बाद हमने देखा था हमारे मेंटल की जो टोटल लेंथ है बाह्य और आंतरिक मेंटल का मिला के 2100 किलोमीटर। इसके बाद जो कोर का था बाह्य कोर और आंतरिक कोर का मिला के 6371 किलोमीटर, ठीक। अब देखिए सबसे ज़्यादा मोटाई कहाँ पे हमें मिल रही है, ये तो सिर्फ 35 किलोमीटर है, ये तो सिर्फ 29 किलोमीटर तक आ रहा है यहाँ से यहाँ तक का, लेकिन ये जो है 6371 किलोमीटर, ठीक। तो ये हमारा एक कोर है, तो सबसे ज़्यादा मोटाई किसकी हुई, कोर की। इसका आंसर हो जाएगा कोर, कोर। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, ज्वालामुखी विस्फोट में निकलने वाला लावा कहाँ एकत्रित होता है, ज्वालामुखी विस्फोट में जो निकलने वाला लावा है वो कहाँ पर इकट्ठा होता है या कहाँ पर इकट्ठा रहता है। तो देखो हमने पढ़ा था ये भूपरपटी हो गया, भूपरपटी हो गया, ये हमारा मेंटल हो गया, और इन दोनों के बीच में दुर्बलता मंडल पाया जाता है। दुर्बलता मंडल में जो हमारा लावा होता है वो क्या होता है, जो मैग्मा होता है वो इकट्ठा रहता है। अगर हम इसको देखें कि लावा कहाँ एकत्रित होता है, जो लावा है, लावा जो होता है वो हमारे भूपरपटी पर किसी शैल का निर्माण कर देगा या किसी शैल का निर्माण करके वहाँ पे एकत्रित हो जाता है। अगर हम बात करें कि जो लावा जिससे बनता है वो कहाँ इकट्ठा होता है, यानी मैग्मा, तो वो दुर्बलता मंडल में उपस्थित होता है, दुर्बलता मंडल में पाया जाता है। दुर्बलता मंडल जो कि 200 किलोमीटर तक में होता है, 200 किलोमीटर तक में पाया जाता है। अब देखते हैं अगला, आग्नेय शैलों की विशेषताएं लिखिए। तो आग्नेय शैलों की विशेषताओं के बारे में मैंने दो बार डिस्कशन किया। पहली विशेषता है कि ये क्या होती है, बहुत कठोर होती है। सेकंड क्या है, ये जीवाश्म नहीं बनाता है। थर्ड जो है ये रवेदार व दानेदार होता है। फोर्थ जो है, जब ये कठोर होगा, जब कोई चीज़ बहुत ज़्यादा कठोर होती है तो उसका अपरदन मुश्किल हो जाता है, अपरदन। चौथा जो होगा अपरदन इसका बहुत कम होता है, अपरदन का मतलब कि जल धाराओं द्वारा या वायु के द्वारा चट्टानों को तोड़ना अपरदन कहलाता है, अपरदन कम होगा क्योंकि ये बहुत कठोर होता है। अगला देखिए, रूपांतरित शैल कैसे बनती है, जो रूपांतरित शैल है वे कैसे बनती हैं। तो रूपांतरित शैल जो है वो बहुत ज़्यादा उच्च
ताप व दाब के द्वारा बनती हैं। जो रूपांतरित चट्टानें हैं वो बहुत ज़्यादा बहुत हाई टेम्परेचर और प्रेशर के द्वारा बनता है। ये हमारा सारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, 5 क्वेश्चन थे, ये कंप्लीट हो गया। अब कुछ सही और गलत वाले हैं तो उसको देख लेते हैं। जैसे कि कह रहा है कि परतदार, ये जो सिंबल है ये, इसका मतलब या पढ़ेंगे अथवा, परतदार या आग्नेय शैल कठोर व रवेदार होती है। पूछ रहा है कि कौन सा चट्टान जो है वो रवेदार व कठोर होता है, आग्नेय या फिर परतदार। तो परतदार तो हमने बताया था कि ये मुलायम होता है, इसलिए ये ऑप्शन गलत हो गया। आग्नेय तो अभी अभी हमने बताया कि ये क्या होती है, कठोर होती है और रवेदार होती है, तो ये वाला हमारा सही हो गया, यानी आग्नेय शैल कठोर व रवेदार होती है। सेकंड है, परतदार शैलों की उत्पत्ति में आंतरिक दाब या नदियों का बड़ा हाथ होता है। मतलब परतदार शैल बनाने में, परतदार शैलों की उत्पत्ति में, परतदार शैल बनाने में आंतरिक दाब मतलब पृथ्वी के अंदर का दाब मायने रखता है, या फिर नदियों का बड़ा हाथ होता है, यानी नदियां मायने रखती हैं। तो परतदार शैल जो परत दर परत बनती है वे नदियों के द्वारा बहाए गए कणों के द्वारा बनती है, तो नदियां इनमें मायने रखती हैं, ना कि पृथ्वी का आंतरिक दाब। तो नदियों का बड़ा हाथ होता है, ये सही है। अगला, रूप तथा गुण के परिवर्तन से बनी शैलों को आग्नेय या फिर रूपांतरित शैल कहते हैं। जिनका रूप व गुण, क्या कह रहा है, रूप व गुणों के परिवर्तन से, जब रूप परिवर्तन होता है तो वो रूपांतरण कहलाता है, रूपांतरण। तो ये रूपांतरण शैल इसमें क्या होगा, सही हो जाएगा। अगला, चूने के पत्थर से संगमरमर बनता है या फिर कोयला बनता है। तो देखिए, चूने के पत्थर से जो है वो हमेशा संगमरमर बनता है, कोयला नहीं बनता है, कोयला नहीं बनता है। कोयला वाला गलत हो जाएगा, संगमरमर वाला सही हो जाएगा। आपको याद करने का तरीका बताता हूँ। चूना जो होता है वो सफ़ेद होता है, और संगमरमर भी क्या होता है, संगमरमर भी सफ़ेद हो जा होता है। तो याद रखिए, चूने पत्थर से हमेशा संगमरमर बनेगा, ना कि कोयला बनेगा, कोयला काला होता है। ठीक, अगला, हिमालय पर्वत आग्नेय या फिर परतदार शैल का उदाहरण है। हिमालय पर्वत जो है, जिसे हम भारत का पहरेदार बोलते हैं, भारत का पहरेदार बोलते हैं, वह जो है वो किसका, आग्नेय शैल का एग्जाम्पल है या फिर परतदार शैल का। तो हिमालय पर्वत जो है वो नदियों और महासागरों द्वारा बहा के लाए गए कणों से बना है, तो वो जो हो जाएगा वो परतदार शैल का एग्जाम्पल होगा, ना कि हमारा आग्नेय शैल का। तो इस तरह से हमारे क्वेश्चन आंसर सेट हो गए, सही गलत का हमने सब करा दिया। तो आज की वीडियो यहीं पर हम ख़त्म करते हैं। अगले समय में हम बात करेंगे क्लास 7th के 3rd चैप्टर की। आप हमारा चैनल देखते रहिए, अगर पसंद आए तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। थैंक यू सो मच।